वेलकम स्टूडेंट्स टू द ऑनलाइन क्लासेस वेलकम स्टूडेंट दिस इज रेनू खैर अजानी एंड टूडेज टॉपिक इज मूवमेंट इन एनिमल्स चैप्टर सिक्स मूवमेंट इन एनिमल्स हैव यू सीन एनिमल्स मूविंग अराउंड डिड यू ऑब्जर्व हाउ दे मूव लेट एस फाइंड आउट हाउ डिफरेंट एनिमल्स मूव स्टूडेंट्स क्या आपने कभी एनिमल्स को मूव करते हुए देखा है क्या आपने आपने ऑब्जर्व किया है कि वो किस तरीके से मूव करते हैं लेटस फाइंड आउट हाउ डिफरेंट एनिमल्स मूव चलो फाइंड आउट करते हैं कि किस तरीके से एनिमल्स डिफरेंट एनिमल्स मूव करते हैं मोस्ट एनिमल्स मूव विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स मोस्टली जितने भी एनिमल्स होते हैं मोस्टली वो अपने लेग्स की हेल्प से मूव करते हैं द नंबर ऑफ लेग्स इज़ ऑल्सो डिफरेंट इन डिफरेंट एनिमल्स लेकिन क्या डिफरेंट होता है स्टूडेंट्स की उनके लेग्स डिफरेंट होते हैं यानी कि किसी के दो होते हैं किसी के तीन होते हैं किसी के चार होते हैं या चार से ज़्यादा होते हैं जितने भी लैंड एनिमल्स होते हैं जैसे कि काव डॉग हॉर्सेज टाइगर लाइन जेबराज एंड ज़राफ्स जेराफ हैव फोर लेग्स इनके चार लेग्स होते हैं ह्यूमन बींग्स चिम्पेंजी और गोरेला गोरेला कि कितने लेग्स होते हैं टू लेग्स होते हैं जिससे वो वॉक करते हैं और टू आर्म्स होते हैं जिससे वो अपना काम करते हैं बर्ड्स हैव टू लेग्स बर्ड्स के भी दो लेग्स होते हैं इंसेक्ट्स के कितने लेग्स होते हैं सिक्स स्पाइडर्स यानी कि मकड़ी स्कॉर्पियो यानी कि बिच्छू एंड क्रैब्स क्रैब्स यानी कि केकड़े इनके कितने लेग्स होते हैं एट एंड श्रम्स हैव टेन लेग्स कैटरपिलर मिनी पेड्स एंड कैंटीपेड्स मैनी लेग्स जो आपके ये वाले जो इंसेक्ट होते हैं उनके टेन श्रम्स हैव टेन लेग्स कैटेपिलर मिलीपेड्स एंड सेंटीपेड्स हैव मैनी लेग्स मिलीपेड्स यानी कि कन जिन्हें हम कान खजूरा बोलते हैं सेंटीपेड जो आपके अर्थ फॉर्म जैसे दिखाई देते हैं उनके बहुत सारे लेग्स होते हैं स्टूडेंट अब आपको एक एक्टिविटी दे रखी है ड्रॉ और पेस्ट द पिक्चर ऑफ एन एनिमल ऑफ़ ईच ग्रुप इन द कॉलम्स गिवन वन ऑफ ईच ग्रुप हैज़ बीन डन फॉर यू यानी कि आपको या तो पिक्चर ड्रॉ करनी है या पेस्ट करनी है एनिमल्स की जो एक ईच ग्रुप में आपको दे रखे हैं फर्स्ट ग्रुप है आपका एनिमल हैविंग टू लेग्स जिनके दो लेग होते हैं उनका लगाना है एनिमल्स हैविंग फोर लेग्स जिनके चार पैर होते हैं एनिमल्स हैविंग सिक्स लेग्स जिनके छः होते हैं एनिमल हैविंग एट लेग्स जिनके आठ लेग्स होते हैं और लास्ट है आपका एनिमल्स हैविंग मैनी लेग्स स्टूडेंट्स अब है हाउ मैनी एनिमल्स डू यू सी दैट डू नॉट हैव लेग्स यानी कि आपको इसमें किसका किसका पिक्चर uh, ड्रॉ करना है दैट आपने हाउ मैनी एनिमल्स डू यू नो दैट डू नॉट हैव लेग्स आप किन एनिमल्स को जानते हो जिनके पास लेग्स नहीं होते हैं ड्रॉ वन ऑफ देम हेयर एंड राइट इट्स नेम यानी कि आप उसमें से किसी एक की इमेज को उसकी पिक्चर को आप यहाँ पे ड्रॉ करिए और उसके बाद उसका नाम लिख लीजिए Now the next topic is animals move in different styles. Students animals बहुत अलग अलग style से move करते हैं किसी भी animal का कोई same style नहीं होता Every animal has different styles. Some animals walk, कुछ चलते हैं कुछ uh, walk slowly, यानी कि कुछ धीरे दीर धीरे चलते हैं कुछ बहुत तेज़ भागते हैं कुछ animals ऐसे होते हैं जो खूदते हैं and some hop, यानी कि एक टांग पर खूदना कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एक टांग पर कूदते हैं अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स फ्लाई लेकिन कुछ ऐसे हमारे लार्ज नंबर्स ऑफ एनिमल्स हैं जो फ्लाई करते हैं अब हम पढ़ेंगे एनिमल्स दैट क्रॉल एंड क्रीप यानी कि वो एनिमल्स जो क्रॉल और क्रीप करते हैं एनिमल्स दैट डू नॉट यूज देयर लेग्स फॉर मूविंग आर कॉल्ड क्रॉलिंग एनिमल्स यानी कि वो एनिमल्स जो अपने पैरों का यूज नहीं करते हैं मूव करने के लिए उनको हम क्रॉलिंग एनिमल्स बोलते हैं यानी कि वो एनिमल्स जो ज़मीन पे रेंगते हैं यानी कि वो चलते नहीं हैं वो अपने लेग्स को यूज़ नहीं करते अपने मूवमेंट के लिए वो ग्राउंड की हेल्प से यानी कि वो ज़मीन पे ऐसे क्रॉल करते करते मूव करते हैं एग्जाम्पल्स क्या है इन एनिमल्स का स्नेल्स और स्नेक्स सम एनिमल्स क्रीप इट मीनस दैट दे मूव ऑन हैंड्स एंड नीज With the body close, some animals creep. It means that they move on hands and knees with the body close to the ground. Lizards, squirrel, and flies are creepers. Students कुछ animals जो होते हैं वो creep करते हैं. Creep का मतलब ये होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा धीरे-धीरे move करते हैं, बिल्कुल स्लोली और इतना केयरफुली वो मूव करते हैं ताकि उनकी आवाज उनका साउंड किसी को सुना ही ना दे uh, जैसे कि एक हमने बात करी मतलब वो किस तरीके से मूव करते इट मींस दैट दे मूव ऑन हैंड्स अपने हैंड्स की हेल्प से और अपने नीज की हेल्प से वो मूव करते हैं टू एंड एंड द बॉडी किसकी क्लोज होती है टू द ग्राउंड ग्राउंड की क्लोज होती है जैसे एग्जांपल है छिपकली गिलहरी और फ्लाइज अगर हम उनकी बात करें तो ये सब क्रीपर्स हैं यानी कि बहुत आराम 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 से वो स्लोली स्लोली मूव करेंगी क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर्स क्रॉल एंड समाइम्स क्रीप ऑन देयर लेग्स यानी कि अगर हम बात करें क्रोकोडाइल्स की और एलिगेटर्स की तो आपने देखा होगा वो भी धीरे धीरे रेंगते रहते हैं यानी कि दे मूव वेरी वेरी स्लोली समटाइम्स क्रीप यानी कि कभी कभी वो धीरे धीरे मूव uh, करते हैं ऑन देयर लेग्स विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स Did you notice lizards moving upside down on the ceiling of your wall? Why they why do they not fall down? आपने कभी नोटिस करा है छिपकली जो दीवार पे आपको अक्सर दिखाई देती है वो कभी भी आपने नोटिस करा है कि वो फॉल डाउन यानी कि गिरती क्यों नहीं है वो इसलिए नहीं गिरती है क्योंकि उसकी हैव मैनी टाइनी ग्रूव्स ऑन द बॉटम ऑफ देर फीट यानी कि जो उसकी फीट के नीचे कुछ टाइनी टाइनी से ग्रूव्स होते हैं ग्रूव्स यानी कि आप समझ लो कुछ गैप कुछ आ, बहुत स्मॉल 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 से आ, खाचे से बने हुए होते हैं जो उसकी हेल्प करते हैं उस सीलिंग पे उसकी बॉडी उसकी बॉडी को वो जो ग्रूव्स होते हैं उसको वो होल्ड करते हैं उस दीवार पे, ताकि वो लिजार्ट गिर ना एक टाइप की नाली या यू कैन से स्मॉल स्मॉल गैप टाइप ऑफ गैप लिजार्ट हाइट डेम्सल्व वेन दे आर सिक यानि कि जब भी छिपकली बीमार होती है तो वो हमेशा किसी ऐसी जगह पे छिप जाती है जहाँ पे डिस्टर्बेंस बहुत कम हो यानी कि वहाँ पे कोई आता जाता ना हो बिल्कुल शांति वाली जगह इसलिए वो हमेशा क्या प्रेफ़र करती है या तो वो किसी कॉर्नर्स की जगह ले लेती हैं यानी कि किसी घर के किसी कोने में वो वहाँ होती हैं या फिर बिहाइंड द फोटो फ्रेम्स यानी कि फ़ोटो फ्रेम्स के पीछे होती हैं द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स इन द वर्ल्ड आर द लिटिल क्रीपी क्रोलाइन क्रोलिन कॉल इंसेक्ट्स यानी कि जो लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स जो आपको वर्ल्ड में दिखाई देते हैं वो होते हैं आपके इंसेक्ट्स यानी कि इंसेक्ट्स और ये आपको हर जगह पाए जाते हैं आप उनको कोल्ड प्लेसेस में आपको इंसेक्ट मिल जाएंगे हॉट प्लेसेस में मिल जाएंगे ड्राई प्लेसेस में मिल जाएंगे पानी में मिल जाएंगे और इवन मिट्टी के अंदर भी मिल जाएंगे कम से कम देयर आर मोर देन यानी कि नाइन हंड्रेड थाउजेंड टाइप्स के इंसेक्ट्स होते हैं यानी कि आप सोच सकते हो कितने कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इंसेक्ट्स होते हैं पूरे वर्ल्ड में डू यू नो आपको हाइबरनेशन uh, का मतलब क्या होता है ये एनिमल्स में और एनिमल्स uh, में ये चीज़ बहुत देखी जाती है कि विंटर्स में क्या होता है जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो कुछ एनिमल्स जैसे कि लिजार्ड्स फ्रॉग्स टॉट्स स्नैक बीज एंड बैट्स ये जो होते हैं वो छिप जाते हैं और हाइबरनेशन का मतलब क्या होता है कि बहुत लॉन्ग टाइम के लिए बहुत ही लंबे समय के लिए सो जाना यानी कि अब वो सो जाते हैं ताकि वो क्या कर सके जो इतनी ठंड एक्सट्रीम कोल्ड है उससे वो बच सके और खाने की शॉर्टेज होने की वजह से वो एक नम ल, आ, लंबी नींद ले लेते हैं अगर हम पोलर बियर्स की भी बात करें तो वो छः महीने के लिए वो सोते हैं इन विंटर सीजन यानी कि वो हाइबरनेशन हो जाते हैं हाइबरनेट हो जाते हैं वॉट डू इंसेक्ट्स लुक लाइक अब हम बात करते हैं इंसेक्ट्स कैसे दिखाई देते हैं बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट इज डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स अगर आप इसमें देखेंगे तो इंसेक्ट्स की बॉडी को थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है एक होता है उनका हेड एक होता है इनका थोरिक्स एंड द लास्ट इज एब्डोमल. व्हाट डू इंसेक्ट्स लुक लाइक बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट इज डिवाइडेड इंटूअर थ्री पार्ट्स हेड थोरिक्स एंड एब्डोमल. अगर हम किसी इंसेक्ट्स की अगर बॉडी की बात करें तो तीन पार्ट्स में उसकी बॉडी डिवाइड होती है फर्स्ट उसका पार्ट होता है ऊपर हैड फिर थोरिक्स देन होता है आप नीचे वाला पार्ट एबडोमल इट हैज थ्री पेयर्स ऑफ लेग तीन पेयर्स के लेग आपको दिखाई देते हो दिखाई दे रहे होंगे इस इमेज में तीन पेयर्स ऑफ लेग होते हैं कुछ इंसेक्ट्स के विंग्स यानी कि उनके पंख होते हैं और विंग्ड इंसेक्ट्स कैन फ्लाई एज वेल एज एज वेल एज यानी कि जो जिनके जिन इंसेक्ट्स के विंग यानी कि पंख होते हैं तो उससे वो फ्लाई कर सकते हैं इंसेक्ट्स दैट डू नॉट विंग्स यानी कि जिन इंसेक्ट्स के विंग्स नहीं होते वो सिर्फ रेंगते रहते हैं यानी कि वो सिर्फ क्रॉल करते रहते हैं इंसेक्ट्स लाइक बीटल्स फ्लाइज आंट बीज वास मून एंड बटरफ्लाइज यानी कि जो कुछ कॉमन से इंसेक्ट्स है कुछ आपके ततैया आंट्स मक्खियाँ बीटल्स ये सब जो है और तितलियाँ ये सब आपको आपके आसपास दिखाई दे देती है यार कॉमनली इंसेक्ट्स हैं और कुछ इसमें से यूजफुल होते हैं कुछ बिल्कुल भी यूजफुल नहीं होते वो आपको अलग अलग तरीके से हार्म पहुँचा सकते हैं अब हम बात करते हैं स्टूडेंट यूजफुल इंसेक्ट्स की यानी कि कुछ हमारे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो बहुत यूजफुल होते हैं जैसे हमने हम बात करी हनी बी की वी गेट हनी फ्रॉम द हनी बी वी गेट हनी एंड बी बी वैक्स फ्रॉम द हाइव ऑफ हनी बीज यानी हमें मधुमक्खी के छत्ते में से हनी मिलती है हनी बीज फीड ऑन द नेक्टर ऑफ द फ्लार आपको पता है कि फ्लार का जो नेक्टर होता है उसको हनी आ, हनी बीज सक करती है फिर उससे वो एक उससे वो हनी बनाती है हनी आ, बी आ, की एक कॉलोनी यानी कि कॉलोनीज की अगर हम बात करें तो वो एक स्पेशली डिज़ाइंड होती है जैसे तो आंट आंट की भी आठ आंट, आंट की भी कॉलोनी होती है वैसे हनी बीज या हनी बीज की भी कॉलोनीज होती है जो उनका मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसकी डिज़ाइन बहुत ही मतलब बहुत यूनिक तरीके से वो डिज़ाइन करा हुआ है हनी कॉब्स यानी कि आपको हेक्सागोन शेप आपने मैथ्स में पढ़ा होगा हेक्सागोन कैसा होता है हेक्सागोन सेल्स यानी हेक्सागोन शेप के उनके आ, शेप की डिज़ाइन होती है यानी कि बहुत ही सुंदर तरीके से उनके बहुत ही सुंदर तरीके से उनके सेल्स डिज़ाइन करे हुए होते हैं यानी कि सेल्स किस शेप के होते हैं हेक्सागोन शेप के होते हैं उनके छत्ते उनके छत्ते में जो सेल्स होते हैं वो हेक्सागोन सेल्स होते हैं अब हम बात करते हैं सिल्क वॉम की सिल्क वॉम जो होता है जिन्हें हम रेशम का कीड़ा जैसे रेशम का कीड़ा जिसे हम बोलते हैं वो आपको एक सॉफ्ट सिल्की फाइबर प्रोवाइड करता है अब उस सिल्क वॉम से सिल्क कैसे बना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग टॉपिक है एक सिल्क वॉम की भी लाइफ साइकिल होती है सिल्क वॉम जो होता है सिर्फ दो से तीन दिन तक जिंदा रहता है ऑन मलमरी लीग्स वो इतने ही टाइम में यानी कि दो से तीन दिन तक जितना वो जिंदा है उतने ही टाइम में वो कम से कम तीन सौ से चार सौ अंडे यानी कि वो अपने अंडे दे, दे देता है द वॉम्स ले एग्स डेट हैच इन टू कैटरपिलर्स यानी कि वो अंडे किस आ, किस आ, फॉर्म में हो जाते हैं कैटरपिलर की फॉर्म में हो जाते हैं अब इसके बाद क्या होता है धीरे धीरे करके वो जो अंडे होते हैं पहले लार्वा बनते हैं फिर धीरे धीरे करके वो तीन से चार दिन के टाइम में वो पोपा यानी कि पोपा वाली स्टेज में आ जाते हैं अब जब वो एक पोपा जब वो बन जाते हैं तो वो इधर से उधर अपना सिर मारते रहते हैं जब वो इधर से उधर अपना सिर मारते रहते हैं तो उनके चारों तरफ उनकी लार से एक चारों तरफ से उनके लार से एक धागा फॉर्म हो जाता है अब वो धागा अब हम उस धागे को जो सिल्क फाइबर जो अपने आप में वो कवर करके बैठे हुए हैं उसको हम बोलते हैं कैकून उसे हम क्या बोलते हैं कोकून वो कोकून को अब हम किस तरीके से धागा सिल्क थ्रेड बनाएंगे जब वो कोकून कुछ जब हवा से हवा के कांटेक्ट में आता है या एयर के कांटेक्ट में वो जब आता है तो फिर वो सूख करके रेशम का धागा यानी कि सिल्क थ्रेड बन जाता है तो इस तरीके से सिल्क वॉम से और जब वो धागा बन जाता है तो कम से कम वन थाउजेंड मीटर लंबा एक धागा निकलता है इसी तरीके से बटरफ्लाईज और ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं जो पॉलिन ग्रेन को कैरी करने में यानी कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के दूसरे प्लांट के फ्लावर तक पहुंचाते हैं इंसेक्ट्स आ, और फूड ऑफ मैनी एनिमल्स यानी कि जो मच्छर होते हैं वो बहुत सारे एनिमल्स का खाना होते हैं जैसे अगर हम बात करें स्पाइडर्स की छिपकली की फ्रॉक्स की तो ये सब क्या खाते हैं ये सब इंसेक्ट्स खाते हैं नाउ हार्मफुल इंसेक्ट्स मैनी इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटोज लाइज एंड बेडबर्ग्स बेडबर्ग्स आर ब्लड सक यानी कि बहुत सारे मच्छर जैसे कि बहुत सारे इंसेक्ट्स जैसे कि आपके मच्छर जूं खटमल का जो आपका इंसेक्ट होता है ये सब ब्लड सकर्स होते हैं यानी कि ये खून चूसते हैं ये आपका ब्लड सक करते हैं और बहुत सारी नंबर ऑफ डिसीज़ स्प्रेड करते हैं यानी कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो वो स्प्रेड करते हैं जैसे कि अब बात करें मलेरिया की डेंगू की चिकनगुनिया की एंड ब्रेन फीवर ये सारी कुछ आपकी डिसीजेज हैं जो मच्छर के काटने से होती हैं इंसेक्ट्स स्पॉयलवर थिंग्स यानी कि जो मच्छर होते हैं जो इंसेक्ट्स होते हैं वो आपके खाने को भी स्पॉइल करते हैं लार्ज नंबर ऑफ़ इंसेक्ट्स फीड ऑन क्रॉप्स यानी कि आपको पता है बहुत लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स जो होते हैं वो आपके क्रॉप्स को डैमेज करते हैं उन्हें खा के उनको पूरा बर्बाद कर देते हैं कुछ इंसेक्ट्स जैसे कि मैनी इंसेक्ट्स सॉरी मैनी इंसेक्ट्स लाइक वीविंग्स वीविंग्स नाम का जो इंसेक्ट्स होते हैं वो आपके ग्रेन्स खाते हैं यानी कि आपके घर में जो ग्रेन्स होती हैं उस जो किचन में आपकी ग्रेन स्टोर होती है या फिर जो ग्रैन ग्रेन ग्रैनील्स यानी कि एक ऐसी जगह पे जहाँ पे आपने ग्रेन्स को स्टोर कर रखा है वहाँ से वो चीज़ खाते हैं और आपको काफ़ी बड़ा लॉस होता है इंसेक्ट्स लाइक सिल्वर फिश एंड टर्माइट्स ईट पेपर ईट पेपर एंड वुडन आर्टिकल्स इंसेक्ट्स जैसे कि आपकी सिल्वर फिश जो सिल्वर रंग की होती है एक, एक सिल्वर रंग का एक मच्छर होता है और टर्माइट्स यानी कि जो दीमक ये क्या खाते हैं ये पेपर खाते हैं और वुडन आर्टिकल्स खाते हैं हाउस फ्लाइज यानी कि जो मक्खी होती है वो आपके खाने पे बैठ करके जम्स स्प्रेड करती है और उससे कौन कौन सी डिजीजेज होती हैं कोलेरा इट्स कोलेरा एंड डाइसेंट्री कॉकरोचेस जो रात को बहुत एक्टिव रहते हैं वो आपके जो भी बचा कुचा खाना आपके घर पे होता है उसको खाते हैं और आपकी जितनी भी चीज़ें होती है किचन में उसको स्पॉयल करते हैं इंसेक्ट्स टेट बाइट अब हम बात करेंगे उन इंसेक्ट्स की जो काटते हैं यानी कि उनके काटने से बहुत ज़्यादा पेन होता है अ पार्ट ऑफ मॉस्किटोज मच्छर के अलावा कौन कौन से आपके इंसेक्ट्स होते जिनको काट जिनके कट का, जब वो काटेंगे आपको तो आपको बहुत सारा पेन आपको झेलना पड़ेगा वो है आपके वास यानी कि जो ततया होता है हनी बीज मधुमक्खी ये सब कुछ एग्जाम्पल है थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग